राजस्थान के करौली जिले के 1.5 लाख की आबादी वाला हिंडौन सिटी पीने की पानी की भारी समस्या होने के बावजूद भी जल संरक्षण के और जल भूमिगत जल स्रोत में पानी पहुंचा रहे जलसेन को सरकार अब खत्म करने पर तुली हुई है। जलसेन से हिंडौन सिटी की 70% जनसंख्या को पानी मिलता है। जलसेन के खत्म होने से हिंडौन सिटी की 70% जनसंख्या प्रभावित होगी। यदि जलसेन में जल नहीं है तो हिंडौन में भूजल नहीं है, न नलकूप में पानी रहेगा, न कुएं में पानी रहेगा और न ही पीने को पानी मिलेगा। जलसेन का पानी जो कुएं है ना, हमारे चारों तरफ कुएं बने हुए हैं बगीचों द्वारा, तो उनका पानी पीने के काम आता है। नल तो कम आते हैं गरीब देश में, तो कुओं से ही निर्भर है यहाँ के लोग। हम पानी कहाँ से लेते हो? अब कहाँ से ले, इनमें दैनिक कुआन में सूख जाएगा, गर्मी में तो कुआन में सूख जाएंगे, तो हारन में डोलेंगे पानी इनको। कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर पड़ते जाने, देखो इतने दूर खाए खेतों, देखो वहाँ वहाँ तक पहुँच जाए पानी। हाँ बहुत दूर पहुँच जाए, और हमारे तो घर के भी नल नहीं है, हमको तो इतनी परेशानी बहुत ज्यादा। आप जलसेन पे किस तरह से डिपेंड हो? बारिश का पानी आता है, इससे कुएं का जल स्तर बना रहता है। अब सड़क बनने से पानी का रुकाव हो जाएगा, उससे क्या है पानी त्राई त्राई मच जाएगी, जवाब तो यही पड़ेगा जल स्तर जो है उन्हीं से चला जाएगा। यदि इस सब सड़क को बहुत जल्दी सरकार ने नहीं हटाया तो जनता तो हटा ही देगी। जनता ने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि सरकार ने समय रहते चेत करके इस अवैध निर्माण को, इस गैर कानूनी निर्माण को नहीं हटाया तो जनता निपटेगी। महिलाओं ने यह रैली निकाल करके साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि सरकार नहीं हटाती है तो महिलाएं रणचंडी बन करके जाएंगी और जलसेन में बनाई गई सड़क को काट फेंकेंगी। जब मैं हिंडौन गई तो देखती ही रह गई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस तरह का निर्णय ले सकता है, अपने स्वार्थ के पीछे 70% जनसंख्या को पानी के लिए तड़पता देख सकता है। जलसेन की पाल तोड़कर रोड निकाली है, उसके आने वाली गर्मियों में तो हिंडौन की यही स्थिति हो जाएगी कि पानी के लिए तर तर भटकना पड़ेगा। आज ही स्थिति हिंडौन की यही है कि वहाँ एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है, इसीलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को उसी जगह दोबारा पाल बनानी चाहिए जिससे हिंडौन की जनसंख्या को पूरी तरह पानी मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनर्ट के लिए।